बहुत ज़्यादा उसकी मेहनत रही और इसी कारण से आज ये सफलता मिली है। उसके पापा का भी बहुत ज़्यादा उस पर IAS बनने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव, मतलब मेहनत करते रहे। शुरू से उत्तेजन लगा था, शुरू से। टेंथ में भी, नाइन्थ में तो खैर फर्स्ट आता था, टेंथ में देखिए टॉप किया, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में टॉप किया CMS में, हैं। और उसके बाद फिर इसका IIT का परीक्षा दिया, उसमें इसका हो गया, वहाँ से MTech किया इलेक्ट्रिकल से। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा, उसकी मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद से आज हम लोग को ये दिन देखने को मिला। बहुत ज़्यादा उसकी मेहनत रही और इसी कारण से आज ये सफलता मिली है। उसके पापा का भी बहुत ज़्यादा उस पर IAS बनने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव, मतलब मेहनत करते रहे। बस पढ़ाई, मतलब काम कुछ नहीं करवाते थे, बस पढ़ाई करो और टाइम से अपना खाना नाश्ता खाओ, यही। उसकी एक छोटी बहन है जो दिल्ली में पढ़ रही है, DU से ग्रेजुएशन कर रही है। मैं हाउसवाइफ हूँ, कैग में है, AA है कैग में। जब रिजल्ट आया, पहला रिएक्शन क्या था? तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं, हाँ, बहुत ज्यादा बधाई आ रही है जी। हाँ, सबको बहुत खुशी है, पूरे परिवार में, दोस्तों में, सब में, सब लोग खुश हैं। सब ने, मतलब आदित्य का ना सबसे अच्छा था, मतलब रिश्ता सबसे अच्छा है, दोस्तों से भी उसका बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे से मिल के रहने वाला लड़का है। ये उम्मीद नहीं थी, ये तो किसी को नहीं रहता है ना, ये तो बहुत टफ एग्जाम है। बस ये सोचते थे कि IAS में हो जाएगा इस बार। नहीं, कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से उसने मॉन्ट से पढ़ाई की है 12th तक, और उसके बाद IIT कानपुर वहाँ पढ़ा, फिर गोल्डमैन सैक्स में 1.5 साल नौकरी किया, उसके बाद BTech MTech IIT कानपुर से। अब आप खिला दीजिए। आज तो बहुत खुशी का दिन भी है, और आज खुशी का समाचार भी मिल गया कि हमारा पोता जो है IAS में टॉप किया है, पूरा इंडिया में टॉप किया है। और इसकी इच्छा भी थी, अभी तो IPS की ट्रेनिंग चल रही है, इसकी 5 महीना की ट्रेनिंग कर रहा है, और हम इसकी इच्छा थी कि हम IAS बने, और इसके पिताजी के प्रति ज़्यादा इच्छा थी, पिताजी के भी जिद थी कि तुम IAS बन के हमको दिखाओ, और वो बन करके अपने पिताजी को दिखाया है, मान सम्मान किया है। आपसे बात हुई है जब परिणाम आया है? नहीं, हमसे बात नहीं हुई। कैसा उत्साह है घर में, परिवारजनों में, रिश्तेदारों में? बहुत ज़्यादा खुशी है, सबका मैसेज आ गया, और वैसे लड़का बुला लिया हमको कि चले आइए, तुम चले आए। अभी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, शुरू से उत्तेजित लड़का था, शुरू से। टेंथ में भी, नाइन्थ में तो खैर फर्स्ट आता था, टेंथ में देखिए टॉप किया, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में टॉप किया CMS में, हैं। और उसके बाद फिर इसका IIT का परीक्षा दिया, उसमें इसका हो गया, वहाँ से MTech किया इलेक्ट्रिकल से, हाँ। आपसे क्या बात होती थी, आपसे क्या कहते हैं तैयारी को लेकर? तैयारी तो कह रहा कि दादाजी हमको कुछ आते हैं तो थक जाते हैं। IPS की जब ट्रेनिंग कर रहा था
तो कहता था कि दादाजी, तो हम बोल रहे थे कि बेटा तैयारी कर रहे हो, कहे कि दादाजी क्या बताएं, हम आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, सुबह 5 बजे हमको उठ के जाना पड़ता है और रात को शाम में आते हैं और बहुत मेहनत करवाता है तो बहुत थक जाते हैं, तो हमारा कुछ उतना विशेष नहीं हो रहा है, मगर निकाल लिया। वो पढ़ाई के अलावा क्या क्या उन्हें पसंद था? उसको खेलने में क्रिकेट पसंद था, क्रिकेट खेलता था वो। जब से पढ़ाई चालू किया है, IAS का तैयारी किया है, तब से सब सुहाग खत्म कर दिया, तब से कुछ नहीं करता था, खेलता उलता नहीं था, खाली पढ़ना। डांटे तो नहीं है, हम अपने बेटे को नहीं डांटे हैं, तो इसको क्या डांटेंगे, हम अपने बेटे को नहीं डांटे कभी, न कभी मारा हमने, अपने बेटे को भी एक झापड़ तक नहीं मारा हमने। उनका रोल मॉडल कौन है, किससे वो प्रेरणा लेकर आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं? वो प्रेरणा लिया है अपने पिताजी से, ज्यादातर प्रेरणा ज्यादा पिताजी से लिया है। अब पिताजी अगर उसके थोड़ा सा हार्ड नहीं होते तो ये नहीं पढ़ पाता। ये क्रिकेट का शौकीन था, निकल जाता था, आते तो डांट देते थे। अभी भी अगर नाश्ता कर रहा है और नाश्ता कर लिया वो और 5 मिनट बैठ करके ऐसे TV देख रहा, बस तुरंत इसके पिताजी बोल देते हैं कि जाओ, हो गया ना तुम्हारा नाश्ता, चलो, तो चला जाता था पढ़ने।